इमित्र संचालक द्वारा राशि राजकोष में जमा नहीं करवाने के बाद अब उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज उपभोक्ताओं ने जलदाय अधिकारियों का घेराव किया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्होंने समय पर बिल जमा करवा दिए थे, लेकिन इमित्र संचालक ने चालाकी दिखाते हुए राशि को राजकोष में जमा नहीं करवाया और इसका खामियाजा अब उन्हें उठाना पड़ रहा है। उन्हें विलंब शुल्क के साथ पुरानी राशि नए बिलों में जोड़कर दी जा रही है, इसको दुरुस्त किया जाए। उपभोक्ताओं ने जमकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। मुझे कंटिन्यू बिल जमा करवाता रहा हूँ, परंतु हमेशा बकाया राशि जमा नहीं होती। यहाँ आता हूँ तो वापसी जमा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वापसी जमा करवा दीजिए। इस बार 4 महीने का बिल आया है। यहाँ आया तो ई मित्र वाला कह रहा है कि वापसी रुपये ले लीजिए आप। यहाँ 8 दिन हो गए, आज 8 दिन में 1 रुपये भी वापसी हम लोगों को नहीं दिया गया है। आप बताइए, सुबह आते हैं 10 बजे और शाम को 4 बजे वापसी जा रहे हैं हम लोग। ई मित्र के अधिकारी यहाँ आ ही नहीं रहे। एएन जेम्स एक्शन सबसे बात हो चुकी, वो ये आश्वासन दे रहा है कि रुपये वापसी दे रहे हैं, वापसी देंगे, परंतु अभी तक वापसी नहीं दिए।